हेलो। यस हाँ, इसमें आप पेज नंबर 5 ओपन करिए। बुक में ओपन सर, पेज, पेज नंबर 5। हाँ पेज नंबर 5 ओपन करिए। पेज नंबर 5 ओपन, पेज नंबर 5। सर निकाल लिया। हाँ, दिस इज द पेज नंबर 5 दो ऑफ चीज योर बाद में डाल, बुक। द टॉपिक इज बाद अ लिटिल बिट अबाउट मी। में डाल दो, इसमें बाद हेलो में स्टूडेंट, डाल दो। चिकन डालना, चिकन डालना। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ओके। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन जो है इसका पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 5 पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है अ लिटिल बिट अबाउट मी। ठीक है, अ लिटिल बिट अबाउट मी। तो स्टार्टिंग में है माय बेस्ट आइडिया। आपको क्या लिखना है इसमें? माय बेस्ट आइडिया, आपका जो भी बेस्ट आइडिया है आपको लिखने हैं। दो अपने बेस्ट आइडिया लिखने हैं आप। इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको क्या क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन राइट डाउन इन योर माय बेस्ट आइडिया में आप लिख सकते हैं रीडिंग एंड रिसर्च, और सेकंड लिख सकते हैं टू बिल्ड राइटिंग स्किल। जीरा ठीक है, या आप अपने बेस्ट गया। आइडिया में लिख सकते हैं, और या अगर आपको कोई और भी दूसरा कोई आइडिया है। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज जो यस जो बीच में बात मत करिएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आप अपने कोई भी दो बेस्ट आइडियाज लिख सकते हैं। सर। नेक्स्ट है माय बेस्ट मेमोरीज। नेक्स्ट है बेस्ट आइडिया नहीं है, सबसे अच्छा आइडिया। जो आपका सबसे अच्छा आइडिया है। अगर इसमें ये आई लिटिल बिट अबाउट मी, मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं कुछ भी दीदी से पूछ, मेरे साथ ये है सर, भी लिखवा ही नहीं रही है। ये ठीक है। माय बेस्ट मेमोरीज, आपकी जो भी बेस्ट मेमोरीज हैं, जैसे आपकी कोई भी बेस्ट मेमोरीज है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार से बेस्ट मेमोरीज के बारे में लिख सकते हैं। जैसे क्या है कि आप क्या करते हैं क्लास में, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ छोटी छोटी चीजों पे। हेलो स्टूडेंट, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन बिकॉज योर वॉइस दैट। प्लीज अपने आपको अनम्यूट म्यूट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, एंड लिसन केयरफुली। माय बेस्ट मेमोरीज, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अनिल सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनिल सर, हेलो। ये उधर से नाउ इट इज ओके। हेलो, नाउ इट इज ओके। यस सर। हाँ, थिंग्स आई वरी अबाउट। नेक्स्ट है थिंग्स आई वरी अबाउट, तो उसमें लिख सकते हैं आप कोई भी, आप तीन सेंटेंस लिख सकते हैं। दैट थ्री थिंग्स दैट विच यू वरी अबाउट, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। यू कैन चेंज दैट आइडिया, यू कैन चेंज दैट इन दैट ऑल्सो। इट फर्स्ट दैट कैन बी थिंग्स आई वरी अबाउट रिगार्डिंग माई होमवर्क, देन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बारे में भी आप वरी करते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और जैसे मान लो और भी हो सकता है, द थिंग यू वरी अबाउट दैट इज रिगार्डिंग योर हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग के बारे में भी, अपनी हेल्थ के बारे में भी। अब यू कैन राइट डाउन रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड रिगार्डिंग माई हैंड राइटिंग।
एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इन द थिंग्स आई वरी अबाउट. नेक्स्ट इज आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम्स. आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम्स. कैसे आप अपना जो टाइम है स्पेंड करना चाहते हैं करते हैं, दैट्स बाय रीडिंग द बुक्स, रीडिंग करके राइटिंग एंड वॉचिंग टीवी एंड व्हाट एवर प्लेइंग गेम्स, यू कैन राइट डाउन इन दैट. आगे क्या है कि जो देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर आई वांट टू. नेक्स्ट ईयर आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं. फर्स्ट है लर्न क्या करना चाहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट ईयर आई वांट टू लर्न, आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है. That can be different also, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. Next year I want to learn computer. Next year I want to learn computer. उसके बाद में next है go. Next year I want to go see. कुछ भी आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है. ये next year I want to go to see any temple लिख सकते हैं. You want to go to see any place. You want to go to Shimla. Whatever you want to write, you can write down in that also. Then next year I want to be better at. Next year I want to be better at. हो सकता है आप calculation में slow हो, तो I want to be better at my, that's a calculations writing part भी आ सकता है. Anything you can write down in that also. Next year I want to be. So, आप नेक्स्ट है आपका राइट हैंड साइड में माई फेवरेट एनिमल्स. आपके कोई भी फेवरेट दो एनिमल्स के नाम आपको लिखना है. यू कैन राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन काउ लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं, कैट एक्सेट्रा. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट डाउन इन दैट ऑल्सो. नेक्स्ट है उसी के नीचे दिया हुआ है माई फेवरेट एनिमल्स के नीचे है, दैट्स आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम्स. सेम लिख सकते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, वॉचिंग टीवी या प्लेइंग गेम्स. नेक्स्ट है इसी में माई फेवरेट बुक्स. आपकी फेवरेट बुक्स कौन कौन सी हैं आप लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है गीता है, रामायणा है, महाभारता है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं. वट एवर द बुक्स यू लाइक, जो आपकी फेवरेट बुक्स हैं, यू कैन राइट डाउन द टू नेम्स ऑफ योर बुक्स. माई फेवरेट सॉन्ग्स, आप अपने दो सॉन्ग्स के फेवरेट जो सॉन्ग्स हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, दो आपके फेवरेट कोई भी सॉन्ग. जैसे मान एक मासूम पिक्चर में एक गाना है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, कैसे, यस है ना, कैसा गाना, हेलो. और हाँ जैसे, और हाँ एक आया जैसे सॉन्ग आया जैसे संदेश आते, कोई भी आप दो सॉन्ग जो आपको अच्छे लगते हैं, यू कैन राइट डाउन इन दैट. माई फेवरेट फूड, आपके दो फूड जो आपको फेवरेट जो अच्छे लगते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. हो सकता है आपको बर्गर अच्छा लगता है, फास्ट फूड में पिज्जा अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है. तो यू कैन राइट डाउन इन दैट, व्हाट एवर द टू फेवरेट योर फूड आइटम्स, यू कैन राइट डाउन दैट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पेज नंबर हम सिक्स पे, पेज नंबर सिक्स पे है जस्ट फॉर लाफ. जस्ट फॉर लाफ ऑन पेज नंबर सिक्स. तो मैं इसको रीड कर रहा हूं और आप इसको देखिएगा पेज नंबर सिक्स पे. जस्ट फॉर लाफ, लाफ्टर इज अ हैप्पी साउंड. हंसना एक बहुत हैप्पी जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, विच इज समथिंग वी ऑल कैन शेयर एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, हम सभी उसको शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज वी स्पीक. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम कोई भी लैंग्वेज हम जो है मीन्स बोलते हों तो उस प्रकार से, बट अगर जब हंसते हैं तो उसकी अलग से अपनी एक लैंग्वेज है. और विच प्लेस वी कम फ्रॉम, हम कहीं के भी रहने वाले हों या किसी भी स्थान से हम आए, बट जब हंसते हैं तो, या कोई भी मान लो जब हंसी की बात होती है तो वो सभी हमारे एक ही प्रकार से होता है. सो व्हेन वी लाफ वी मेक साउंड्स, जब हम हंसते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओवर ब्रीथिंग पैटर्न चेंजेस, तो स्टूडेंट हमारा सांस लेने का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है. सॉरी, एंड वी समथिंग गेट बिट ब्रीथलेस, और कभी कभी हम इतनी जोर से हंसते हैं तो हमको सांस भी नहीं आता. ठीक है, और फेसेस चेंजेस, हमारे फेसेस में भी चेंजेस आ जाता है. वी यूज अराउंड 15 मसल्स इन अवर फेसेस, हम जब हंसते हैं तो हमारी जो 15 मसल्स हैं फेस की वो एक्टिवेट हो जाती हैं. एंड वी शो अवर टीथ,
और कभी कभी हंसते हैं, कुछ लोग तो है अपने टीथ नहीं दिखाना चाहते मगर फिर भी टीथ दिख जाते हैं जब हंसते हैं तो, देन वाइडन अवर माउथ, कुछ बिल्कुल मुंह खोल के जोर जोर से हंसते हैं, ठीक है, देन अवर आईज क्रिंकल्स अप एंड वी माइट इवन हैव टीयर्स, और कई बार हम इतनी जोर से हंसते हैं कि हंसते हंसते हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, अवर बॉडी मूव्स, हमारी बॉडी में मूवमेंट आ जाता है, अवर हेड में गो बैक एंड फोर्थ, लेग्स में लिफ्ट, आर्म्स एंड बॉडी में शेक, तो पूरी हमारी बॉडी के अंदर हलचल पैदा हो जाती है जब हम कभी, जब कभी खुलकर हंसते हैं, मींस बड़े जोर से हंसते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डायलॉग्स लिखे हुए हैं, बात कन्वर्सेशन लिखी हुई है, टीचर्स जतिन व्हाट कैन यू टेल अबाउट द डेड सी, जतिन आई डिड नॉट इवन नो इट वॉज सिक, उसके बाद में क्या नेक्स्ट है, टीचर्स जो है सोनिया स्पेल माउस, टीचर सोनिया को बोलती है कि माउस है उसको स्पेल करिएगा, तो वो माउस को स्पेल कर रही, सोनिया बोली है माउस एम ओ यू एस, बट स्पेलिंग क्या है एम ओ यू एस सी माउस, वो कर रही है माउस एम ओ यू एस, ठीक है, ई को साइलेंट कर रही है, टीचर्स नेक्स्ट है यस एंड व्हाट ऑन द एंड ऑफ इट, तो सोनिया बोलती है टेल, वो माउस के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आवर टीचर हैड अ बैड मेमोरी फॉर 3 डेज, शी आस्क्ड अस हाउ मच 2 एंड 2, वी टोल्ड हर इट वाज 4, 2 प्लस 2 इट इज 4, बट शी स्टिल डज नॉट नो टुडे, शी आस्क्ड अस अगेन, तो बाद में फिर पूछा उन्होंने 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपने कहा 4, बट स्टिल उन्होंने दोबारा से फिर पूछा। Now student will switch on to the page number 7, then body trivia, then body trivia. Now student, इसमें जो bodies के लिए हमारे को क्या करते हैं कि कुछ उसके बारे में जानकारी के बारे में बात करेंगे कि क्या करते हैं कि पहले तो हम बताएंगे कि आपको जैसे what is the our outer layer of the skin, हमारी skin body के बारे में बात करेंगे, फिर मैं जो इसी का B part है प्रोटीन्स विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके साइंस के लेसन में भी है, फैट्स फाइबर्स उसके 2-2 जो है सोर्सेज फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे कि वेयर आर फ्रॉम वेयर वी गेट दी प्रोटीन्स विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स फाइबर्स कैल्शियम फास्फोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट है व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, इट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपका दिया हुआ है नीचे देखिए आपका जो है चॉइस दिया हुआ है, सो इट इज एपिडर्मिस, EPIDERMIS एपिडर्मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इट इज एपिडर्मिस, हेलो जस्ट अ मिनट स्टूडेंट आई विल चेक, हाँ ठीक है सर आवाज नहीं आ रही, हेलो जस्ट अ मिनट अक्षय सर आ रही है आवाज, आवाज आ रही है बेटे, हेलो सम स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी आ रही है, कोई बात नहीं आएगी आवाज आएगी, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली ऑन पेज नंबर 7 पे, देखिए पेज नंबर 7 पे क्या था, फर्स्ट है देन मैं इसको हाँ, देन व्हाट इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन, इट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, सेकंड है हाउ मेनी वाल्व्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, that human heart have the 4 valves, 4 valves hote hain, 4 valves, what is outer layer of the tooth called, the outer layer of the tooth it is called enamel, outer layer of the tooth it is called enamel, fourth hai which joint in our body is ball and socket joint, it is hip joint, aur fifth mein kya hai, which bone is known as the funny bone, that is humerus, humerus, humerus. Sixth hai, what is the name of the substance that gives skin and hair? Fifth wale ka kya hai? Fifth wale ka aayega humerus. Humerus. Hello, student. Fifth ka humerus aur sixth ka aayega. That sixth ka hai melanin. Sixth ka hai melanin. MEL. A-N-I-N, melanin. Seventh है, what substance
आर नेल्स मेड अप ऑफ. सेवंथ है कि जो नेल्स हैं किस सब्सटेंस के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द केराटिन. दैट इज अ केराटिन, के ई आर ए टी आई एन, केराटिन. ठीक है. What substance are the nails made up of? That is called the keratin. और eighth में है, what are the two holes in your nose called? They are called the nostrils. N-O-S-T-R-I-L-S, nostrils. ठीक है student, उसको क्या कहेंगे? Nostrils. क्या कहेंगे? Nostrils. Ninth है, what are the bones called? What are the bones called that makes up your spine? Makes up your spine. That's called the vertebrae. उसको क्या कहेंगे? Vertebrae. V-E-R-T-E-B-R-A-E. Vertebrae. ठीक है? और tenth में क्या है? What is the inner layer of the skin is called? The inner layer of the skin is called dermis. The inner layer of the skin is called dermis. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा ए पार्ट हो गया, पेज नंबर 7 का ए पार्ट. नाउ पेज नंबर 7 का बी पार्ट हम करेंगे. राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ द फॉलोइंग. प्रोटीन्स हमको कहां से मिलता है स्टूडेंट? दो सोर्सेस क्या क्या हैं? बीन्स हो सकते हैं, एग्स हो सकते हैं. ठीक है, टू सोर्सेस प्रोटीन के, बीन्स एंड एग्स. और विटामिन बी है, विटामिन बी वी गेट फ्रॉम द मिल्क है, चीज है, एग्स हैं. मिल्क चीज एग्स कर सकते हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है राइस से, पोटैटो से. कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है राइस से, पोटैटो से. और विटामिन ए हमको मिलता है विटामिन ए. वेरी गुड. कैरेट से एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से. ठीक है. और नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स हमको मिलता है ऑयल से, घी से, ऑयल एंड घी. और फाइबर्स हमको मिलता है फ्रूट से, मिलता है नट्स एंड सीड से भी मिलता है. फ्रूट से मिलता है, नट्स एंड सीड से मिलता है. और कैल्शियम हमको मिलता है स्टूडेंट्स, दैट्स वी गेट मिल्क से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है. ठीक है. और फास्फोरस है, फास्फोरस में हमको मिलता है नट से, मिलता है मीट से, मिलता है और बीन से भी मिलता है, बीन्स. ठीक है. तो बीन अगर हम फास्फोरस तो बीन से भी मिलता है. ठीक है, नट से भी, बीन से भी और मीट से भी. सो स्टूडेंट दिस वाज योर पेज नंबर 7. सर फाइबर वाले में क्या आएगा? इस बार फाइबर वाले में आएगा फ्रूट्स आ जाएंगे. हेलो, फाइबर में फ्रूट्स आ जाएंगे. हेलो स्टूडेंट्स. और लेग्यूमिनस. Leguminous. Very good. ठीक है, fruits and nuts. सर आप इसकी PDF भेजोगे? ठीक है. Next है page number 8 पे. Medical test के बारे में पढ़ते हैं. Medical test के. सर आप इसकी PDF भेजोगे? भेज दूँगा. ठीक है, पहले अभी आप देखिए page number 8 पे. Taking a medical history and performing a physically एग्जामिनेशन. यूजली जब हम कभी फिजिकली एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, देन वी यूजली प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अ डॉक्टर नीड्स. तो डॉक्टर को कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजिंग ऑफ इलनेस, कि हमारी जो बीमारी का कारण क्या है. तो डॉक्टर हमको कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए बोलता है. ठीक है, वो समटाइम डॉक्टर नीड्स टू टेक सम टेस्ट टू फाइंड मोर. कभी कभी डॉक्टर ना बहुत सारे टेस्ट लिख देता है कि आप ये भी टेस्ट कराइए. देखिए सबसे पहले आपको डॉक्टर कहेगा कि आप ब्लड टेस्ट करा के आइएगा. मान लो आप बुखार है किसी को, ठीक है, फीवर है, कई दिन से बुखार ठीक नहीं हो रहा. पहले तो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, 2-3 दिन के लिए मेडिसिन दे रहा है, बट बुखार अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो देन डॉक्टर व्हाट द डॉक्टर विल एडवाइज, गो फॉर द ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट के लिए आप कराइए, उसके बाद डॉक्टर, हेलो, उसके बाद डॉक्टर को जो है पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, किस प्रकार का फीवर है. ठीक है, फिर डॉक्टर पर्टिकुलर उसी जो है, मान लो जो अगर प्रॉब्लम होगी फिर मेडिसिन उसी की दोबारा से स्टार्ट करता है. ठीक है, नाउ डॉक्टर आर वेरियस. आगे देखो लिखा हुआ है, यस, हां जी बोलिए. आप मुझे
बॉडी वाले का बता दो, जो ऊपर जिसे सुना है, स्किन वाले का बता दो मुझे। अभी पहले तो पढ़ लीजिए, पहले इसको पढ़िए आप, देखो क्या है। डॉक्टर यूज वेरियस टेस्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई कॉजेस ऑफ एक पेन्स एंड इलनेस। सो जो है तो हियर वी आर हैविंग द फ्यू। पहले क्या करते कि जो ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री क्या है, असेस द एबिलिटी टू हियर। किसी को जैसे सुनाई अगर मान लो कम देता है या कुछ प्रॉब्लम सुनने में, दैट इज कॉल्ड द ऑडियोमेट्री। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी भी क्या होता है, टू रिमूव द टिश्यू सैंपल। बॉडी से एक सैंपल ले लेते हैं, टिश्यू का सैंपल ले लेते हैं, सच एज स्किन टिश्यू, सो दैट दे कैन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि माइक्रोस्कोप में के द्वारा देख सके कि प्रॉब्लम क्या है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब स्टूडेंट्स। ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट भी क्या करते हैं, चिक्स आर इन द ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे नाउ स्टूडेंट, ब्लड में दे चेक the number of blood cells, they check the number of blood cells, कि आपके जो blood cells blood के अंदर कितने blood cells हैं, और measures level of the vitamins, minerals, sugar, cholesterol and other substances, तो उसको क्या बोल लेते हैं, CBC बोल देते हैं, complete blood cells, उसके अंदर फिर सारी चीजें check करके बता देते हैं कि blood के अंदर क्या problem है। नेक्स्ट है आपका ईसीजी। ईसीजी बोलते हैं ना कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी करते हैं। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिर इट मेजर द इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट के बीट जो करता है, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में लेटस द डॉक्टर ऑब्जर्व द इनसाइड द होलो ऑर्गन्स एंड द कैविटी। तो एंडोस्कोपी के द्वारा क्या करते हैं, डॉक्टर जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में उनको जानकारी लेने के लिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है इंटरनल ऑर्गन्स में तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द एंडोस्कोपी। आई एग्जामिन, आई एग्जाम्स, देन असेस द विजन एंड आई हेल्थ। कभी कभी मेरी आंखों को जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे चश्मा अगर किसी को लग जाता है, तभी भी हम क्या करते हैं, हम जो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर हमारी आईज को चेक करते हैं, दैट्स कॉल्ड द आई एग्जाम टू असेस द विजन एंड द आई हेल्थ। फिर क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग, दैट इज द एनालिसिस सेल्स टू लुक फॉर अबनॉर्मल जेनेटिक मटीरियल्स। फिर देखिए नेक्स्ट आ जाता है इमेजिंग में, क्या आएगा, एक्सरे आता है, MRI आएगा, PET एक्सेट्रा है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड द पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे है, ठीक है, किसी सेल्स या कोई टिश्यू में, फिर MRI, द स्किन्स एलर्जी टेस्ट, द टेस्ट फॉर एलर्जी, यूरिनरी, इट इज अ यूरिन एनालिसिस, दैट एनालिसिस द यूरिन टू चेक फॉर शुगर्स, ताकि जब यूरिन में शुगर की अगर मान लो अगर प्रॉब्लम है तो देन ब्लड सेल्स एंड अदर सबस्टांसिस, सो दैट इज ऑल्सो डन इन दिस टेस्ट। देन LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट। LFT क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट, चेक टू सी हाउ द लीवर इज वर्किंग एंड लुक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लीवर डैमेज और देयर इन्फ्लेमेशंस। जब स्टूडेंट किसी को अगर मान लो जो है किसी का कलर, जो बॉडी का स्किन का कलर जैसे येलो ना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार बोलते हैं ना उसको जॉन्डिस हो गया है, तो देन डॉक्टर दे विल टेल द कि लीवर LFT कराइएगा, कि आपके शायद लीवर का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसके कारण से जो LFT के द्वारा उसको क्लियर पिक्चर हो जाता है, तो उसके द्वारा स्टूडेंट देन डॉक्टर विल एडवाइज फॉर द LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए क्या है कि और देखिए क्या ऐसी पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है कि देन आप जानते हैं दैट इंडिया हैज ओवर, इट इज स्टूडेंट्स, इट इज 1 लाख डायग्नोस्टिक लैब, ठीक है, 1 लाख जो से भी ज्यादा हमारे जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं इंडिया के अंदर जो, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट नेचुरल रेमेडीज, पेज नंबर 9 पे नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। नेचुरल रेमेडीज में क्या है, देन इफ द नेचर हैज गिवन डिजीज, अगर कोई आपको डिजीज हो जाता है, देन इट इज प्रोवाइडेड विद द रेमेडीज, तो उसका हल भी है नेचर के पास में, नेचुरल तरीके से हम कैसे उसको जो है कैसे ठीक कर सकते हैं बिफोर मॉडर्न मेडिसिन। अभी जो है एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन उन्हीं को बोलते हैं, अभी तक इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था। अवर ग्रीन फ्रेंड्स वर द ओनली सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर वेरियस, ठीक है,
अलाइनमेंट्स। सो हमारे कवि कोई जैसे कोई भी मालूम बीमार हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम हो जाता था, तो लोग पहले डॉक्टर की बजाय वैद्य वैद्य बोलते थे उसको, वैद्य जी के पास जाते थे, वो जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करते थे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई दी, अब उसी के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग प्लांट्स एंड राइट द नेम्स यूजिंग इन द क्ल्यू गिवन। पिक्चर दी हुई है, हिंट भी दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दी हुई है, ये एलोवेरा का पिक्चर दिया है। नोन एज द मिराकल प्लांट एंड इट इज एंटीसेप्टिक, अ ब्यूटी एड एंड हेल्थ इन द न्यूशियस एंड इट इज अफेक्टिव इन द ट्रीटिंग स्किन्स प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशंस, बर्न्स एंड स्टोमक अलाइनमेंट्स दैट एलिमेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट ये सभी इनके लिए क्या करते हैं कि हमारा एलोवेरा है, बहुत हेल्पफुल है। नंबर टू क्या है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज इन द देयर द ट्रीटिंग द नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है, इन द ब्रांचेस अस्थमास एंड द हार्ट डिजीज। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट है, सेकंड क्या है, इट इज द अश्वगंधा, वेरी गुड अश्वगंधा, ठीक है। थर्ड में क्या है, इट इज यूज एज अ नर्व्स टॉनिक एंड द It is the sedative that in the relieving stress, the extracts of leaves are also used to make hair tonic and oils. So, ये क्या है? Brahmi, ठीक है? Brahmi तेल आता है ना, Brahmi oil. Next है fourth में, it improves the immune system and bowel functions. The bark is used in the toothpaste and toothache and bad breath. Its oil is a natural pesticides. तो स्टूडेंट देखो जो फोर्थ पे क्या दिया हुआ है, नीम दिया हुआ है, सो विल राइट डाउन नीम। और फिफ्थ है द फ्रूट ऑफ द ट्री इज वेरी रिच इन द विटामिन सी एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग द मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिंस लाइक त्रिफला। इट इंप्रूव्स द बॉडी रेजिस्टेंस एंड गुड फॉर स्किन एंड हेयर। आंवला क्या आएगा इसमें, आंवला। तो दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, वन में क्या आ जाएगा, एलोवेरा, ठीक है, और सेकंड में क्या आ जाएगा, अश्वगंधा। सेकंड में क्या आएगा, अश्वगंधा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, दैट्स ब्राह्मी, और फोर्थ में क्या आएगा, नीम, और फिफ्थ में क्या आएगा, आंवला। क्या आएगा फिफ्थ में, क्या आ जाएगा, आंवला, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस यस सर। तो आज हमने पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 9 तक आज हमने किया है, आपको इसको कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सर। नाउ एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क और स्टूडेंट, एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए स्टूडेंट, देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर। एक ना आपके पास एक ऐप आएगा, दैट्स अ वर्ल्ड ओला ऐप, आप अपने प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड द ऐप, दैट इज अ वर्ल्ड ओला, दैट इज अ प्ले स्टोर से है, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा मोबाइल में, तो वो आपको जीके के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। कुछ गेम्स भी हैं, यू कैन प्ले द गेम्स आल्सो इन दैट, यू कैन एनहेंस योर मेमोरी एंड योर जीके आल्सो, ठीक है स्टूडेंट। सर आप भी पढ़ा कोई वो थंबनेल दो हमें वर्ल्ड। हां जी, हेलो 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 स्टूडेंट्स, हेलो सर, हेलो हेलो सर,